हमारी मज़ेदार सी मिंट आइस टी बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और रिफ़्रेशिंग लग रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फूडीज़ टू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेमन मिंट आइस टी की रेसिपी। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे या कोई भी चीज़ जिसमें आप यूजुअली चाय बनाते हैं। एक ग्लास पानी लिया मैंने यहाँ पर, मीडियम फ्लेम पे ये एक ग्लास पानी इसमें हम डाल देंगे। वन टेबलस्पून शुगर लिया मैंने। कुछ लोग इसमें दो या तीन टेबलस्पून शुगर भी डालते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आप इसको अपने फ्लेवर के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, टू टेबलस्पून या थ्री टेबलस्पून डालना चाहते हैं, तो भी आप डाल सकते हैं। एक टेबलस्पून शुगर के अंदर 17 कैलोरीज होती हैं, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ एक ही टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब हम शुगर के डिज़ोल्व होने का वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये ज़रा जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं गर्मियों में गर्म चाय पीने के लिए, तो ये बिल्कुल ठंडी होती है। जैसे आप यूजुअली जूस पीते हैं, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। प्लेन जी शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून टी लीव्स डाल देंगे यानी पत्ती डाल देंगे और इसको कलर आने का वेट करेंगे। पत्ती का यूजुअली कलर थोड़ा स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग सा कलर आएगा, लेकिन क्योंकि ये लेमन मिंट आइस टी है और हम इसमें लेमन डालेंगे, तो फिर इसका कलर जो है वो नेचुरली लाइटर हो जाएगा। तो अब हम इसको बॉयल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टी सॉल्यूशन को उबाल आ गया। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। हमारा टी सॉल्यूशन बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब तक हमारा टी सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, उस वक्त तक हम मिंट और लेमन का काम कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने 7 से 8 पुदीने के पत्ते मिंट लीव्स लिए हैं और एक नॉर्मल साइज़ का लेमन लिया। अब हम लेमन को काट लेते हैं। इसको हमें स्लाइसेस में काटना है। हाफ लेमन को हम स्लाइसेस में काटेंगे, हाफ को नहीं काटेंगे। लें जी, हमने इसको स्लाइस में काट लिया। अब हम एक छोटा सा चटुवटा लेंगे, इसको हम चटुवटा भी कहते हैं, पिसल एंड मॉर्टर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको दोरी डंडा भी कहते हैं। इसको हम लेंगे और इसके अंदर हमने जो 7 से 8 पुदीने के लीव्स लिए हैं वो डाल देंगे। इसके बाद हमने ये जो 2 से 3 स्लाइसेस लिए हैं लेमन के वो डाल देंगे और इसको लाइटली प्रेस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं दबाना, ना आपने बिल्कुल इसका पेस्ट बना देना, आपने सिर्फ इसको लाइटली प्रेस करना। कुछ लोग इसको प्रेस नहीं करते, डायरेक्ट इसको ऐसे ही ग्लास में डाल देते हैं, लेकिन ऐसे करने से इसका थोड़ा टेक्सचर बेहतर हो जाता है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। चलिए ये तो हो गया। अब हम एक ग्लास लेते हैं और ये जो हमने मटेरियल तैयार किया लेमन और लीव्स का, इसको इस ग्लास में हम डाल देंगे। अब जो बाकी हाफ लेमन रह गया था उसका रस निकाल लेते हैं और ग्लास में डाल देंगे। अब हमने इसका रस निकाल लिया। अब यहाँ पे कुछ आइस लेंगे और इसको हम इसमें डाल देंगे
हमारा टी सॉल्यूशन ठंडा हो गया, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। अगर आप इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो आप इसमें लास्ट में कुछ पानी भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर मैंने लेमन डाला है, लेमन के बाद ये आहिस्ते आहिस्ते अपना कलर लाइटर कर लेगा। तो ये देखें, ये आहिस्ते आहिस्ते इसका कलर लाइटर हो रहा है। अब हम एक लेमन लेंगे और इसको लॉन्गिट्यूडिनल कट कर लेंगे, 4 पीसेस में होगा। अब छोटा सा साइड पे कट लगाएंगे, आप देख सकते हैं, और इसको हम एडजस्ट कर देंगे। मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग मिंट आइस टी बन के तैयार है हमारी। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली गिव अस थम्स अप, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।